हाय व्यूअर्स, मैं के स्टूडियो से आप सभी का वेलकम। व्यूअर्स, आज की वीडियो जुड़ी है बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर करण जौहर से। करण जौहर इन दिनों बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, उसकी क्या वजह है आइए आपको बताते हैं। करण जौहर ने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं अपनी माँ के साथ बैठा टीवी देख रहा था कि उस पर एक चैनल पर खबर चली, एक प्रोग्राम हो रहा था जिसमें मेरा मजाक बनाया गया। ये सोनी टीवी के एक शो में नितिन जो इस शो के होस्ट हैं वो करण जौहर की बड़ी भोंडी सी मेमोरी कर रहे थे और फिर उन्होंने करण जौहर के शो को चूरन विद कॉफी भी कहा, जिस पर करण जौहर गुस्से से लाल पीले हो गए। वैसे तो करण जौहर खुद भी दूसरों का मजाक उड़ाने में हमेशा आगे रहते हैं, लेकिन इस बार कुछ उल्टा ही हो गया और इस बार करण जौहर को खुद ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है, जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। करण ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट पर अपना इंटरव्यू देते हुए कहा और पोस्ट लगाई कि मैं ऐसे अनजान लोगों पर गुस्सा बिल्कुल नहीं करता। मैं जानता हूं कि इनको सिवाय मजाक उड़ाने के और कुछ नहीं आता। मुझे गुस्सा नहीं है बल्कि मैं अफसोस करता हूँ। करण जौहर जो कि बॉलीवुड के करता धरता हैं और इनके बगैर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन अभी करण जौहर जिस गुस्से में दिखाई दे रहे हैं कुछ कह नहीं सकते कि कब तक वो नॉर्मल होते हैं। आप इनको लेकर क्या कमेंट्स करते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। कीप वॉचिंग मेक स्टूडियो।